friends, I am Richa. Today we are going to start a new topic, integers, of class 7, chapter 1. ठीक है, सबसे पहले नेचुरल नंबर क्या होते थे हमारे नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ये सब क्या था हमारा नेचुरल नंबर। ठीक है, इन्हीं नेचुरल नंबर में हम जीरो इंक्लूड कर देते थे, तो इस टाइप का नंबर हमारा क्या कहलाता था, होल नंबर। ठीक है, और इसी में मैं माइनस का 1, -2 से लेके पूरा माइनस इन्फिनिटी तक ऐड कर दूँ, तो ये जो हमारा पूरा सेट है ये क्या कहलाएगा हमारा इंटीजर्स। ठीक है, यानी कि इंटीजर्स कंटेन नेगेटिव नंबर 0 एंड पॉजिटिव नंबर ऑल्सो। ओके, बट इंटीजर्स कभी इस फॉर्म में नहीं होता है, इंटीजर्स कभी इस फॉर्म में नहीं होता है। ठीक है, ये एक होल नंबर होते हैं। अंडरस्टूड? Now, इंटीजर्स को नंबर लाइन में कैसे सो सकते हैं, नंबर लाइन, ये आपकी ये क्या है लाइन है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6। देखिए, अब आपसे बोला जाए कि आप 4 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करिए, ठीक है, या नंबर 4 को आप प्लॉट करिए, तो आप कैसे करेंगे, 4 कहाँ है आपका, यहाँ है। ठीक है, माइनस का 4 प्लॉट करना है तो वो कहाँ है, यहाँ है। 0 प्लॉट करना है तो वो कहाँ है, यहाँ पर है। ठीक है, नाउ अब जैसे आपको ऐड करना है 4 + 2 कितना होता है 6, 4 में 2 को ऐड करिए 1, 2 कितना आया 6। ठीक है, यहाँ आपको ऐड करना है माइनस के 4 में प्लस का 3 कितना आया ना माइनस का 1। अब ये माइनस कैसे आया ये अभी मैं आपको नेक्स्ट स्टेप के बाद सिखाऊंगी। देखिए, माइनस का 4 में 3 ऐड करो 1, 2, 3 क्या आएगा माइनस का 1। ओके, देखिए, जब भी हम नेगेटिव नंबर में कोई भी नंबर ऐड करते हैं तो हम पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जाते हैं। ठीक है, और जब भी कोई भी नंबर हम माइनस करते हैं तो हम नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ जाते हैं। ठीक है, नेगेटिव नंबर में। ओके, और पॉजिटिव नंबर ऐड किया तब भी हम इधर ही जाएंगे, और माइनस करेंगे तो हम इस डायरेक्शन में आएंगे। ठीक है, अब जैसे मेरे को 3 में माइनस करना है 8 कितना आएगा -5। देखिए, ये 3 है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आ गया -5। अंडरस्टूड? देखिए, अब ये प्लस करा तो ये माइनस का साइन, माइनस करा तो माइनस का साइन, ये सब कैसे आएगा? देखिए, एड या सब अगर आप कोई भी दो नंबर हैं उनको प्लस करते हो तो साइन किसका आएगा, प्लस का ही आएगा। एक नंबर आपका माइनस में है, दूसरा नंबर आपका प्लस में है, तो क्या आएगा, माइनस आएगा। एक नंबर आपका प्लस में है, दूसरा माइनस में, तो भी माइनस होगा। दोनों ही नंबर माइनस में है तो क्या होगा, आपका प्लस होगा। ठीक है, अब ये तो हो गया प्लस 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 होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। लेकिन आप साइन कैसे लगाएंगे, एग्जांपल के थ्रू सीखिए। जैसे 2 + 3 क्या होगा आपका, 5। ओके, माइनस का 3 प्लस का 5, एक माइनस करना है और एक प्लस करना है। ठीक है, तो क्या होगा आपका, 2 होगा। अब साइन किसका आएगा, जो बड़ा नंबर होगा, बड़ा नंबर पॉजिटिव है तो साइन पॉजिटिव आएगा, बड़ा नंबर नेगेटिव है तो साइन नेगेटिव आएगा। ठीक है, 4 - 8 प्लस माइनस, माइनस होता है। ठीक है, साइन किसका आएगा, जो बड़ा नंबर होगा। ठीक है, अभी बताया ना बड़े नंबर का साइन आता है हमेशा, जो भी ग्रेटर नंबर है। माइनस माइनस, माइनस का 3, माइनस का 4 क्या आएगा, माइनस माइनस क्या था, प्लस 7 आएगा। लेकिन ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो साइन किसका आएगा, माइनस का। या आप ये भी देख सकते हैं, ग्रेटर नंबर किसमें, माइनस में, तो माइनस का साइन लगा दीजिए। देखिए, ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन है ना, ये आपको मिलना बहुत जरूरी है। आप जब भी बड़ी क्लास में स्टडी करते हैं तो ये बेसिक पॉइंट होते हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं पूरे सवाल में। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है।
ओके अब यही आप मल्टीप्लाई में एडिशन एंड सब्ट्रैक्ट अपने रूल से और मल्टीप्लाई का अपना रूल है, ठीक है। जब भी दो नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा ऑलवेज मल्टीप्लाई तो होगा, ठीक है। ये नहीं प्लस माइनस है तो माइनस होगा, ऐसा कुछ नहीं, मल्टीप्लाई ही होगा। बस इसमें क्या है, हमें साइन क्या आएगा ये सीखना है, ठीक है। देखिए एक नंबर है आपका पॉजिटिव, सेकेंड नंबर है आपका पॉजिटिव, तो क्या आएगा फाइनल आंसर भी पॉजिटिव ही आएगा। ओके फर्स्ट नंबर है नेगेटिव, सेकंड नंबर है पॉजिटिव, तो साइन किसमें आएगा पॉजिटिव, वो सॉरी नेगेटिव आएगा, ठीक है। एक नंबर पॉजिटिव, सेकंड नंबर नेगेटिव, तो किसमें आएगा ये नेगेटिव में आएगा। फर्स्ट नंबर नेगेटिव, सेकंड नंबर भी नेगेटिव, तो क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव, ठीक है। एक बार हम एग्जाम्पल के थ्रू सीखते हैं तो जल्दी समझ में आता है ना। टू मल्टीप्लाई थ्री, दोनों ही पॉजिटिव है, क्या आएगा आपका सिक्स आएगा। ओके फोर मल्टीप्लाई फाइव, एक नंबर माइनस में लीजिए, ठीक है। फोर फाइव का कितना होता है ट्वेंटी, बट माइनस प्लस क्या आएगा माइनस का साइन आएगा। ओके अब सिक्स मल्टीप्लाई टू, इसको माइनस में ले लीजिए, सिक्स टू या ट्वेल्व, साइन किसका आएगा माइनस में आएगा। माइनस का फोर मल्टीप्लाई माइनस का एट, ठीक है। फोर एट या थर्टी टू, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो किस में आ जाएगा पॉजिटिव आंसर आ जाएगा, ठीक है। नाउ माय नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज देखिए, सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, हम सबसे पहले इनको एडिशन में एंड सब्ट्रैक्शन में देखते हैं, फिर उसके बाद मल्टीप्लीकेशन में डिवीजन में इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले सीखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एप्लीकेबल होगी या नहीं होगी, ठीक है। देखिए जैसे कि मैंने ऐड किया टू में वन, ठीक है, कितना आया सेवन आया, सेवन आपका इंटीजर है, सेवन हमारा इंटीजर फुल है, ठीक है। इफ आई राइट माइनस एट एंड प्लस माइनस का सिक्स, माइनस का सिक्स इज योर इंटीजर्स, यस फुल इंटीजर। ओके ये तो होगी एडिशन, यही सब्ट्रैक्शन में टू माइनस का फोर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस का टू ये भी हमारा क्या है इंटीजर ही है, टेन माइनस का फोर सिक्स ये भी क्या है इंटीजर है, यानी कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी है अंडर एडिशन एंड अंडर सब्ट्रैक्शन, ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन एंड अंडर सब्ट्रैक्शन ये आपकी एप्लीकेबल है, ठीक है। हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट है आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कम्यूटेटिव में क्या होता है आपका, कम्यूटेटिव में क्या होता है, कम्यूटेटिव में होता है ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए आना चाहिए, ठीक है। एंड सब्ट्रैक्शन में ए माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए होना चाहिए, बट ये नहीं होता, अभी देखते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल थ्री प्लस सेवन क्या होता है आपका टेन, सेवन प्लस थ्री क्या होगा आपका टेन ही होगा, वो सही। अब यही मैं लिखूँ आगे फाइव माइनस सिक्स माइनस का वन, ठीक है, एंड सिक्स माइनस फाइव पॉजिटिव वन, क्या ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम नहीं है, बट ये दोनों सेम है, यानी कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो अंडर एडिशन का एप्लीकेबल है बट अंडर सब्ट्रैक्शन एप्लीकेबल नहीं है। ओके नाउ माय नेक्स्ट टॉपिक इज, नाउ माय थर्ड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव, एसोसिएटिव, ठीक है। इसमें क्या है ए प्लस बी प्लस
प्लस सी, ठीक है, इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ये पहले इसको ऐड करेंगे, फिर जो आपका रिजल्ट आएगा उसमें आप इस नंबर को ऐड करेंगे, ठीक है। इधर पहले इन नंबर को ऐड करना है, फिर आपका जो फाइनल रिजल्ट है उसमें इस नंबर को ऐड करना है, ओके। ए माइनस बी माइनस का सी, ए माइनस बी माइनस सी, ओके। देखिए इसमें एप्लीकेबल नहीं होगी आपकी, ठीक है। अभी चेक कर लेते हैं, जहाँ पर देखिए फोर प्लस टू प्लस सिक्स कितना आएगा, सॉरी फोर एंड टू सिक्स, सिक्स में सिक्स ऐड किया ट्वेल्व, फोर प्लस टू प्लस सिक्स, फोर प्लस एट, ये कितना आएगा ट्वेल्व, ठीक है। इसमें तो एप्लीकेबल है, ओके। नेक्स्ट सेवन माइनस फाइव माइनस टू, देखिए सेवन से फाइव किया टू माइनस टू कितना आया आपका जीरो आया, सेवन माइनस फाइव माइनस का टू, सेवन माइनस फाइव में से टू किया थ्री, ये कितना आएगा सेवन से थ्री किया फोर, ये दोनों सेम है, यानी कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो अंडर एडिशन एप्लीकेबल है बट अंडर सब्ट्रैक्शन एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। नाउ माय नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी। देखिए एडिटिव आइडेंटिटी में क्या होता है, आपके पास कोई भी नंबर है, ठीक है, उसमें ऐसा नंबर ऐड कीजिए कि जो पहला वाला नंबर है वही आपका फाइनल आंसर है, यानी वही लौट कर आए, तो वो क्या होगी आपकी एडिटिव आइडेंटिटी। जैसे मैंने ए में ऐसा क्या ऐड करूं कि मेरा ए ही लौट कर आए कि जीरो, ठीक है, थ्री प्लस जीरो क्या आएगा आपका थ्री आएगा, फोर प्लस जीरो क्या आएगा फोर ही आएगा, माइनस का फाइव प्लस जीरो क्या आएगा माइनस का फाइव ही आएगा, ये क्या है आपकी एडिटिव आइडेंटिटी, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी फिफ्थ नंबर की एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स इसमें क्या होगा, इसमें आपको जैसे कि आपका कोई भी नंबर है मान लीजिए ए है, ठीक है, पॉजिटिव है, बट इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा माइनस का ए, ठीक है। और जैसे कि फोर है, फोर का एडिटिव इनवर्स क्या है आपका माइनस का फोर, फोर इक्वल टू माइनस का फोर से मतलब नहीं है, फोर का एडिटिव इनवर्स है माइनस का फोर, ठीक है। यानी अगर मैं इस नंबर को और इस नंबर को प्लस करती हूँ तो फाइनल आंसर मेरा क्या आएगा जीरो आएगा, अभी तो ये कहूँ ये क्या है ए का एडिटिव इनवर्स क्या है माइनस का ए, फोर का एडिटिव इनवर्स क्या है माइनस का फोर, ठीक है। यानी कि इसको नंबर को और इसके एडिटिव इनवर्स को अगर हम ऐड करें तो फाइनल आंसर हमारा कितना आना चाहिए जीरो आना चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि आपका है माइनस का फाइव, माइनस के फाइव का एडिटिव इनवर्स क्या होगा पॉजिटिव फाइव, ठीक है, एनी प्रॉब्लम आता, ठीक है। ये आपकी प्रॉपर्टी है जो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की फिनिश होती है। नाउ माय नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। अब इसको हम मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में चेक करेंगे, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या था, किसी भी दो इंटीजर्स को लीजिए, जैसे कि वन को ले लिया आपने थ्री को ले लिया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा इंटीजर ही आएगा, ठीक है। फोर मल्टीप्लाई फाइव, फोर फाइव टू ट्वेंटी क्या है इंटीजर ही आ रहा है, जैट अगर हमने ये नेगेटिव लिया तो नेगेटिव में आ जाएगा, बट ये है तो इंटीजर ही, ठीक है। और इसी को अगर हम डिवीजन में देखते हैं, जैसे फोर डिवाइडेड बाय टू क्या आएगा टू, यहाँ तो एप्लीकेबल हो गई, बट अगर यही होता फोर डिवाइडेड बाय थ्री, फोर में थ्री का डिवाइड करते हैं तो वन पॉइंट समथिंग कुछ आता, तो वो हमारा क्या है इंटीजर नहीं है, इंटीजर तो पूरा एक होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। यानी कि ये यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होती, इसका मतलब जो आपका
इंटीजर है, सॉरी जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लीकेशन में तो एप्लीकेबल है बट डिवीजन में एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी प्रॉपर्टी टू है आपकी कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव इसमें क्या है, बिल्कुल सेम वही है, एक नंबर को दूसरे नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया फिर दूसरे को फिर से पहले से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, इसको डिवाइड किया इससे तो इसको डिवाइड किया इससे, इसमें भी वही कंडीशन है, डिविजन में एप्लीकेबल नहीं होगी। दैट्स इट। देखिए जैसे टू मल्टीप्लाई फाइव क्या है आपका, टेन मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई टू क्या आएगा, टेन हो गई एप्लीकेबल है ना। टू डिवाइडेड बाई फाइव कितना आएगा, टू डिवाइडेड बाई फाइव जीरो फोर है ना। फाइव डिवाइडेड बाई टू कितना आएगा आपका, फाइव बाई टू, टू टू या फोर टू फाइव या नाइन, सेम नंबर यानी कि डिवीजन में एप्लीकेबल नहीं है बट मल्टीप्लीकेशन में एप्लीकेबल है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखिए एसोसिएटिव में क्या है, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। ठीक है, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई ओके, ऐसी ए डिवाइड बी डिवाइड सी, ए डिवाइड बी डिवाइड सी। ठीक है, देखिए इसको मैं कर टू एग्जाम्पल के थ्रू उसको आप खुद से करके देखना। ठीक है, ये मगर एप्लीकेबल नहीं होगी। ओके, आप खुद से करना चाहिए। वन टू मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई सेवन। ठीक है, फाइव टू जब टेन मल्टीप्लाई सेवन कितना आएगा आपका, सेवनटीन। ओके, फोर सॉरी टू मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई सेवन, टू फाइव सेवन या थर्टी फाइव, ये भी कितना आपके आया आपका, सेवन। यानी कि इसमें एप्लीकेबल है बट डिवाइड में अपने से करना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, नाउ माय नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कितने हो गई आपकी थ्री। माय फोर्थ प्रॉपर्टी इज मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय जीरो। ठीक है, कैसे करते हैं, देखिए जैसे आपका कोई भी नंबर है फोर जीरो का मल्टीप्लाई करिए क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, फाइव जीरो का मल्टीप्लाई किया क्या है, जीरो। ठीक है, यानी क्या मल्टीप्लाई मतलब हम किसी भी नंबर में जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, जीरो ही आएगा। बट डिवीजन में ये एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि डिवीजन में हम जैसे आपका नंबर है सेवन जीरो को डिवाइड करते तो जीरो नहीं आता है, क्या आता है आपका, नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, इसमें क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में, इसमें देखिए आपका जो भी नंबर है जैसे मान लीजिए फोर बाई थ्री। ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा थ्री बाई फोर, यानी कि इसका रेसिप होगा। ठीक है, हम कोई भी नंबर है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं, उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी कि ए अपॉन बी। ठीक है, ए अपॉन बी का जो रेसिप्रोकल है बी अपॉन ए होगा, क्या आ रहा है हमारा वन आ रहा है, यानी कि इस नंबर को इसी नंबर के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट है वो क्या आएगा, वन आएगा। ठीक है, अंडरस्टूड। जैसे और नहीं देंगे हम जैसे टेन अपॉन सेवन, इसका क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, सेवन अपॉन टेन। ये नहीं टेन अपॉन सेवन इक्वल टू सेवन अपॉन टेन, नहीं,
इस 10 अपॉन 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 7 अपॉन 10। अगर 10 का एडिटिव इनवर्स पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? माइनस का 10, ठीक है। और खाली आपको जैसे नंबर दिया है ओनली 4, इसका बताइए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो क्या होगा? जब इसके नीचे कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में तो क्या मानते हैं? 1, तो इसका कितना होगा? 1 अपॉन 4, ठीक है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसको आप होल नंबर में भी पढ़ चुके हैं, है ना। इसमें क्या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है? ए का मल्टीप्लाई करें बी प्लस सी में तो क्या आएगा? ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, यही हुआ आपका ए मल्टीप्लाई बी माइनस सी, तो क्या होगा? ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी, ठीक है। ये आएगा आपका, देखिए एग्जाम्पल देख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, क्या होगा? 5 मल्टीप्लाई 3 5 मल्टीप्लाई 4, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 and 3 कितना है? 35। इसको चेक कर लीजिए, 5 3 and 4 को ऐड किया 7, 5 7 जा 35, ये और ये सेम है बिल्कुल आपका, यानी कि ये सही है। अब ये भी एक हम माइनस वाला चेक करते हैं, 10 मल्टीप्लाई 4 माइनस 3, ठीक है, 10 मल्टीप्लाई 4 10 मल्टीप्लाई 3, यानी कि 10 4 जा 40 जाएगा 30, ये जाएगा पर 10, इधर 10 मल्टीप्लाई 4 में से 3 गया कौन 10 10, दोनों सेम आ गया, यानी कि ये आपका बिल्कुल सही है। ओके, आज के लिए इतना ही। देखिए ये मेरी इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसकी जो एक्सरसाइज है इस चैप्टर की वो ऑलरेडी मेरे चैनल पर मैं ऑलरेडी पहले से अपलोड कर चुकी हूँ, उसको आप वहाँ से देख लीजिएगा। और ये मेरा पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट आज यहाँ पर फिनिश होता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।